आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूं कि जो मैं काम करता हूं, जो मैं मशीन चलाता हूं, उस मशीन के आप ऑपरेटर बनते हैं तो आपको कितना पैसा मिल सकता है। तो सबसे पहले इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, इस मशीन का नाम है CNC और इस मशीन के अंदर क्या क्या काम होता है सबसे पहले आपको बता देते हैं। दोस्तों, इस मशीन को सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने आपके नॉलेज के आधार पे। देखो भाई, स्कूल में हर कोई पढ़ता है, हर कोई एक ही मास्टर से जो भी शिक्षा है ग्रहण करता है, लेकिन हर किसी की नौकरी नहीं लग जाती और हर कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। तो वैसे ही ये मशीन है। अगर आप इस इंडस्ट्रियल एरिया में काम करना चाहते हैं, CNC के आप ऑपरेटर बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखो भाई, किसी वर्कशॉप में आपको काम करना पड़ेगा। जो छोटी कंपनी हो, जैसे कि 4 मशीनें हो, 3 मशीनें हो, 2 मशीनें हो, उस कंपनी में आप लग जाइए। पहले हेल्परी कीजिए। हेल्परी में आपको स्टार्टिंग में जैसे मटेरियल देना, थोड़ा बहुत ऑपरेटर लोगों का हेल्प करना, थोड़ा बहुत उनके साथ जो जो कहेंगे आपको डायरेक्शन देंगे, वो आपको लगेगा तो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समस्या होगा। अगर जैसे ही आप सीख लेते हैं भाई, मंथली आपको सीखने के बाद कम से कम स्टार्टिंग में सैलरी 14,000, 12,000, 15,000 और अगर आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा तो 22,000, 25,000। अगर उससे अच्छा नॉलेज, अगर आप सेटिंग जान जाते हैं तो 25,000, 30,000। अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करना चाहते हैं करके अगर प्रोग्रामिंग सीख लिए तो भाई 44-50 ऐसे हज़ार रुपये मिल जाते हैं। ये देखो भाई, पूरा कंप्यूटराइज मशीन है। इस मशीन को अगर आप सीखना चाहते हैं तो भाई थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। आप इस मशीन के अंदर हीरो होंडा का, मारुति का, सुजुकी का, एरोप्लेन का बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। इस मशीन को दोस्तों मैं करीब 8-10 साल से चलाता हूँ। मुझे इस मशीन के बारे में प्रोग्रामिंग भी थोड़ी बहुत आती है, सेटिंग भी आती है और ऑपरेटिंग तो आती ही है। हम तो ऑपरेटर अभी हैं, सेटिंग अपने मशीन का खुद करते हैं। दोस्तों देखो, हर किसी को चॉइस है, अलग है। अब मुझे यूट्यूबर अच्छा सा बनना है तो मेरा यूट्यूब पे आप लोगों को नॉलेजबल वीडियो में बनाता हूँ, कुछ बताता हूँ, अपनी लाइफ स्टाइल दिखाता हूँ। तो मेरा जो टारगेट है लाइफ का अलग है। अब आपका टारगेट क्या है, अब आप चूज कीजिएगा। बाकी जो मेरे छोटे छोटे जो भाई हैं, मेरे जैसे जो युवा हैं, अभी जो भटक रहे हैं नौकरी की तलाश में, इंडस्ट्रियल एरिया में काम करना चाहते हैं, अगर 10 भी पास हैं, 8 भी पास हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश की नॉलेज है, तो भाई मैं तो उनको यही कहूँगा कि इस मशीन को आप सीख लीजिए। कम से कम स्टार्टिंग में 12-14 हज़ार रुपये 8 घंटे का मिलेगा। ओवर टाइम लगा कर कम से कम 20-22 हज़ार रुपये आप आराम से किसी कंपनी में उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं भी जाते हैं तो आपको ये CNC मशीन आपको देखने को मिलेगी ज़रूर। इसमें बहुत चीज़ें हैं। अगर आप कमेंट करेंगे मुझे कि भैया कैसे सीखा जाएगा, तो इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा। इसको सीखने के लिए माइक्रोमीटर, वर्नियर, हाइट गेज, बोर गेज, एयर गेज, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का आपको ज़रूरत पड़ता है जो कि आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, जैसे जापान हुआ, चाइना हुआ, इराक हुआ, बहुत सारे ऐसे ऐसे अदर्स कंट्री से आते हैं। तो अगर आपको मेरे से कुछ सीखना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं अपने चैनल पे और भी सारे वीडियो बनाकर डालूँगा। तो ये ब्लॉग, ये जो वीडियो है, आपको कैसा लगा? मैं यही मशीन चलाता हूँ और मैं यही काम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आप और कहेंगे कमेंट करके कि भैया आप ऐसी वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।